नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश करो बेस्टो जिंक टैबलेट का रिव्यू। बेस्टो जिंक टैबलेट बेस्टो के फार्मूलेशन का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये मशहूर एंटीऑक्सीडेंट ही बेस्ट न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट है। ये विटामिन्स, इसेंशियल मिनरल्स, नेचुरल ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट से बनी है। यह 15 टैबलेट की स्ट्रिप आती है, आकर्षक स्ट्रिप है। आकर्षक ऐसे कार्टून में आती है, आप देख सकते हैं, बहुत चमकीला कार्टून है। प्रेजेंटेशन सही है, रिच लुक है। टैबलेट राउंड शेप में, नौशियन नहीं, बिटर नहीं, स्मॉल साइज की, निगलने में आसानी है। दोस्तों ये बहुत सस्ती कीमत है, सिर्फ 88 रुपीज़। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन अवेलेबल है। जानते इस बढ़िया बेस्टो जिंक टैबलेट के चमत्कारी फायदे। दोस्तों ये इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव करता है। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप हमेशा फिट रहोगे, चुस्त रहोगे, सेहतमंद रहोगे, हर काम में रुचि बढ़ती है। इसकी डोज है सिर्फ दिन में से एक टैबलेट। एक टैबलेट आपको हर बीमारी से दूर रखेगा। ये निगेटिव फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाती है। इसमें विटामिन सी, जो कि एनर्जी का भंडार है, एनर्जी से भरपूर है। विटामिन ई पेनफुल कंडीशन में उपयोगी है। बढ़ती उम्र में इसका उपयोग जरूर करें। ये खून बढ़ाती है, भूख बढ़ाती है, आंखों की कमजोरी दूर करती है। विटामिन डी3 से दांत और बोन स्ट्रांग होते हैं। बायोटिन बालों की मजबूती के लिए, बालों की जड़ मजबूत करने के लिए, बाल झड़ना इससे दूर होता है। फोलिक एसिड होमोसिस्टिन लेवल कम करता है। बेस्टो जिंक से हार्ट प्रॉब्लम कभी नहीं होता। मैग्नीशियम स्ट्रेस कम करता है, मानसिक तान तनाव कम करता है। अच्छी और सुकून भरी नींद पा सकते हो। मैंगनीज विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। विटामिन और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। आयोडीन थायरॉइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉपर ब्रेन के सही फंक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सेलेनियम कैंसर होने देता। क्रोमियम ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। इसमें जिंक, इसके नाम में जिंक, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, कैंसर होने देता। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सेफ है, इफेक्टिव है। अगर चुस्त सेहतमंद रहना चाहते हो तो इसे अवश्य अपनाएं। धन्यवाद।